नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपनी पेयरिंग करेंगे अपने बर्ड्स की। दोस्तों मेरे ये शौक है मेरा, तो काफी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि हम पिजन्स को अगर एज अ बिजनेस ज्वाइन करना चाहें, क्या इसे कारोबार की घर से हम रख सकते हैं। तो ये चिक आपको दोस्तों याद होगा कि ये छोटा सा था, ये वाला चिक है हमारे इस पेयर का, ये इस वाले पेयर का हमारा चीक है, इस वाले पेयर का चीक दिखाया था। और मैंने आपको कहा था कि ये अभी बच्चा छोटा है, तो बड़ा होके ये भी अपने पेरेंट्स की तरह सिल्वर कलर का बनेगा। दोस्तों तो ये देखें, ये रहा वो चीक। दोस्तों हमारे पास चीक ही चीक है आज, जो छोटे छोटे चीक आपको दिखाए थे ये देखें, ये सिल्वर कलर का है। ये इसके फीदर थोड़े से बाहर की तरफ मोड़ रहे हैं, तो इसका तो ये देखें दोस्तों, जैसे वो तीर में से कमान नहीं निकला हुआ होता वैसे ही इसका जो है ना, पर इस साइड से ना इस साइड पे निकला होगा। तो मतलब भाई ये मतलब जो है ना शौक पूरा करना है ना, जो बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए भी हमारे पास हल है, तो ये हल भी हम जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। तो यहाँ पे इसके जो है ना टेप से हम इसकी कुछ फीदर्स को ऐसे ऐसे बांध देंगे, ताकि ये जो इसकी इस साइड पे ऐसे पर निकल रहे हैं ना, क्योंकि दोस्तों इसका पर पता है, जब अगर हम इसकी केयर नहीं करते। एक मेरे पास यहाँ पे मेल है, ये वाला मेल जो है ना हमारा ब्लैक का, इसकी देखें वो वाली जो दूसरी साइड वाली फ्लाइंग फीदर है ना, वो देखें किस साइड पे जा रही है। वो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किसी महबूबा की, महबूबा को मिलने जा रही है उसकी वाली फ्लाइंग फीदर्स। तो इसी तरह इस बच्चे की भी ये वाली उसी साइड की, जैसे उस मेल की फ्लाइंग फीदर्स चेंज हो रही हैं, उसी तरह इस बच्चे की भी फ्लाइंग फीदर्स चेंज हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बच्चा हमारे पास ये था और एक बच्चा था दोस्तों हमारे पास ये वाला। देखा मतलब बच्चे ही बच्चे हैं, आज आपको बच्चे ही बच्चे दिखाने हैं मैंने, आपने वेट करना है बस। देखें दोस्तों एक बच्चा ये रहा, आज बच्चे 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 ही हैं, हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। ये देखें, ये रहा हमारा येलो का बच्चा। ये बच्चा भी आपको याद अगर हो तो ये बच्चा भी आपको दिखाया था, जब ये पेरेंट्स के साथ था तो नंगू पुंगू सा था। ठीक है, तो अब देखें इसने कपड़े पहन लिए हैं अपने सारे। अब इस बेबी ने भी डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, इस बेबी ने भी कपड़े पहन लिए हैं अपने, इसके भी पूरी ड्रेसिंग हो गई है। बस अब जो है ना इसका साइज वगैरह लेना है हमने टू पीस के लिए, तो इसका वो तकरीबन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे दो चिक्स ये रहे। ये जो हमारा चिक है ना दोस्तों, ये निकला हुआ है रेड एंड येलो में से, ये वाला चिक हमारा रेड एंड येलो में से निकला हुआ है। माशाल्लाह देखें इसकी दोस्तों टेल कितनी अच्छी है, इस चिक की देखें दोस्तों टेल कितनी अच्छी है, और इसके साथ जो सिल्वर वाला चिक है उसकी भी देखें टेल कितनी अच्छी है। तो ये हो गए हमारे दो चिक, और तीसरा चिक अभी हम आपको दिखाएंगे इस वाले पेयर का। ये रहा दोस्तों, डिफरेंट कलर दिखाएंगे हम आपको आज डिफरेंट। ये देखें दोस्तों, ये रहा हमारा रेड का चिक, ये येलो, ये सिल्वर, ये रेड जो है ना दोस्तों, आज जो है ना हमने मैचिंग ही मैचिंग करनी है बर्ड्स की। आप तो कपड़ों की मैचिंग करते हैं ना, हमने आज बर्ड्स की मैचिंग करनी है। ये देखें, ये हमारा रहा येलो का चिक, ये रहा हमारा रेड का चिक, कितना प्यारा सा बेबी है। ये देखें इसकी भी जो टेल है, कलर देखें इसका कितना प्योर कलर है रेड में। तो आप कहेंगे ये चॉकलेट कलर है, पहले मुझे भी यही लगता था ये चॉकलेट है, लेकिन पिजन्स और बर्ड्स की लैंग्वेज में इसे हम रेड कहते हैं। तो ये है रेड कलर का हमारा बेबी, ठीक है। ये रहा हमारा सिल्वर कलर का बेबी। ये देखें दोस्तों, ये हो गए हमारे तीन बेबी। अभी आपको एक और बेबी भी हम दिखाएंगे, वो है यहाँ पे, वो रहा हमारा चौथा बेबी। तो ये रहा दोस्तों हमारा चौथा बेबी। असल में ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये वाला बर्ड और ये वाला बर्ड, ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ये दोनों आपस में बहन भाई हैं या भाई भाई हैं या दोनों बहनें हैं, अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि आज बच्चे ही बच्चे आपको दिखाएंगे, बच्चे ही बच्चे। सेल नहीं लगी, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ ये ना समझेगा सेल लगी, ये मैंने अपने लिए रोकने हैं, और ये मेरी अपनी हॉबी है, मेरा शौक है। ये वाले चिक बहुत टाइम के बाद मेरे पास क्रॉस में से करवा के, ये मेरी मेहनत है जो मेरे पास अब आई है। तो ये चिक फॉर सेल नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये मैंने अपने लिए रोकने हैं। तो ये देखें, ये एक दो तीन चार, अभी आपको और चिक दिखाने हैं हमने। ये देखें दोस्तों, ये जो हमारा जैकोबिन का पेयर था, इसके दो चिक रहे हमारे पीछे, तो ये आपको दिखाता हूँ अभी। ये असल में जो है ना, ऊपर जाने के लिए मुझे नीचे ये बॉक्स रखना पड़ता है बर्ड्स का, क्योंकि नीचे रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और ये जो है ना बहुत ऊंचा है। और ये रहे हमारे पैरट्स दोस्तों, ये देखें कितनी खिदमत कर रहा हूँ यार इन्हें, पता नहीं क्या कुछ डालता रहता हूँ ताकि ये दूसरी ब्रीड कर दें, लेकिन नामो निशान नहीं है इनका। ये देखें, ये भी खाली है फिलहाल, इधर भी इन्होंने अंडे शंडे नहीं दिए हुए।
तो कोई नहीं, लेकिन हमारे जो ये पेयर है ना, जिसने ये लवबर्ड वाले ने अंडे नहीं दिए हुए थे, तो इन्होंने भी उम्मीद है अंडे दे दिए हैं। तो जो कल की वीडियो बनाएंगे ना दोस्तों, उस वाली वीडियो में हम लवबर्ड की प्रोग्रेस चेक करेंगे, क्योंकि तकरीबन इन चारों पेयर्स ने अब अंडे दे दिए, तो चेक करते हैं कि फर्टाइल हैं या इनफर्टाइल हैं लास्ट टाइम की तरह। तो अभी ये इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, हम चेक करते हैं यहाँ पे आके इस तरह, और कोशिश करते हैं, मैं आपको ये बच्चे दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये रहा एक बेबी, ये रहे दो बेबी दोस्तों, ये देखें, ये रहे हमारे दोनों बेबी। तो ये हमारे दोनों बेबीज हैं दोस्तों, आपको इनका मुंह नहीं नजर आ रहा होगा, इन्होंने भी ड्रेसिंग कर ली है कंप्लीट अपनी। ये पीछे वाला बच्चा जो है रेड स्प्लैश है, और आगे वाला जो बेबी है ये ब्राउन स्प्लैश सा लग रहा है। अभी तो ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो जब ये बड़े होंगे तो आपको दिखाऊंगा। तो जब ये बड़े हो जाएंगे दोस्तों, तो तक ये देखें, आप ऊपर से इनका फेस भी देख लें आप, ये देखें, ये इनका फेस है। तो जब ये बड़े हो जाएंगे दोस्तों, तो ये अपने पेरेंट्स की तरह इस तरह से बन जाएंगे, ये देखें। तो इनके पेरेंट्स का जैसे हुड है, ठीक है, ये जो साइड्स पे इनके बाल हैं, इसे हम हुड कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह का इनका भी हुड बन जाएगा, जैसे ये हमारे इस वाले बेबी का हुड है। तो ये डर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दो बेबीज हमारे इनके ये रहे, दो ये रहे, बाकी हमारे जो है ना, आपको याद होगा कि हमारा ये वाला जो पेयर था, इस वाले पेयर की हमने जो है ना पेयरिंग की थी, आपको अगर याद हो तो, इस वाले पेयर की हमने पेयरिंग की थी। ये हमारी रेड की फीमेल थी, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ये कह रही है मुझे ना छेड़ो। तो ये रहा हमारा येलो वाला मेल, तो फीमेल को हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं और आपको एग्स दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारे एग रहे, हमारे इस वाले पेयर के एग रहे। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो ये लग रहा है कि हमारे इस वाले पेयर के जो एग हैं वो दोस्तों फर्टाइल लग रहे हैं। मुझे इस वाले पेयर के एग फर्टाइल लग रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अभी कुछ दिन पहले हमने पेयरिंग की है इस वाले पेयर की, तो एग्स आ गए। इसी तरह अगर हम इस वाले पेयर की भी पेयरिंग कर देते, हमारा ये जो मेल है, लेकिन मुझे दोस्तों मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमारे पास ये जो ये वाला मेल है हमारा, इसके साथ हम कौन सी पेयरिंग करें। और ये जो हमारे पास ये वाले दो ऊपर मेल हैं, इनके लिए तो ये जो दो मेल हैं इनके लिए तो मैंने सोच लिया कि ये दोनों मेल्स के लिए, हमारे पास जो ये वाली दो फीमेल्स हैं ना, जो खाली अंडे उतार के बैठी हुई हैं विदाउट मेल्स, तो इन दोनों की पेयरिंग तो करनी है मैंने अपने इन दोनों मेल्स के साथ, ठीक है। ये तो पेयरिंग कंप्लीट होगी। अब ये रह गया हमारे पास एक मेल, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हम कौन सी पेयरिंग करें। एक तो हमारे पास ये ब्लैक वाली फीमेल है, येलो नहीं लगानी इसके साथ, ना हम वाइट लगा सकते हैं। तो या तो हम ये ब्लैक वाली फीमेल इसके साथ लगा सकते हैं दोस्तों, और हमारे पास फीमेल है ये वाली, और हमारे पास ये वाली फीमेल है, ये भी नहीं लगा सकते। तो तकरीबन और फीमेल्स हमारे पास नहीं हैं, ना बाकी चिक्स हैं इस खास तौर पे ना। अब इस बारे मेल की मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके साथ कौन सी पेयरिंग करें। ये देखिए बेचारा कितना बेचारा बेचैन है और अकेला खुद को महसूस करता है, और काफ़ी टाइम से करना भी चाहिए, काफ़ी टाइम से ये अकेला भी है। उम्मीद तो यही है कि इनकी नेक्स्ट वीडियो में पेयरिंग कर दूंगा। कुछ केजेस वगैरह हमने चेंज करने हैं, जैसे ये वाला एक पेयर है यहाँ से हटाना है, वो हमारा फोस्टर वाला लास्ट वाले खाने में जो पेयर है उसे हटाना है। तो यहाँ पे हम अपनी पूरी ये जो तीन पेयर हमारे बनेंगे उनमें से हम अपने तीन पेयर्स को इधर कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कर देंगे दोस्तों। ये शो में है मेरा, अगर आपको मेरे पिजन्स मेरे बर्ड्स पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताएं दोस्तों। ये हमारा वाइट का पेयर है, ये बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह मेरा, और ये पेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। ये देखें ये कितना खूबसूरत मेल है हमारा दोस्तों, अगर आपको भी ये पसंद आए तो मुझे बताना है आपने लाजमी। इन्होंने भी ब्रीड की हुई है दोस्तों, और हमारे इस वाले पेयर ने भी ब्रीड की है। तो अच्छा, मुझसे ना काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार पिजन्स को अगर एज अ बिजनेस ज्वाइन करना चाहें, क्या इसे कारोबार की घर से हम रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, और वो कुछ दिन तक आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि क्या हमें बर्ड्स को या पिजन्स को या कोई भी ब्रीड है उसको हमें कारोबार की घर से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पिजन्स हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनमें। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या पिजन्स को कारोबार की घर से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।